और हरासमेंट इज अनदर फैक्टर, वो वर्क प्लेस हरासमेंट जिसमें बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे मैंने खुद समझा कि स्पोर्ट्स वुमेन जो हैं वो उस दायरेकार में आती ही नहीं है, वो वर्क प्लेस के अंदर उस डेफिनेशन में ही नहीं आती थी. सो आई थॉट इट वेरी पर्टिनेंट कि उसको क्यों नहीं ऐड किया. I've always been a very vivacious person. I consider myself adventurous. और मैं बहुत different sports में रही हूँ. इसमें आने से पहले भी मैं different kinds of, जैसे lawn tennis है, golf है, you name it, मैंने school से लेके और even when I was married, मैंने ऑल पाकिस्तान में हिस्सा लिया. ऑल दो मैं हारी, लेकिन मैंने हमेशा न्यू थिंग्स को एक्सपीरियंस ज़रूर किया. दिस इज़ व्हाट आई फील कि मेरी एक, ये बहुत सारी चीज़ों में ये लोग नहीं जानते एज अ पॉलिटिशियन. माय मेन आइडिया इसके पीछे ये था कि असल में मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से थी और मैं एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव साइट के ऊपर बड़े अरसे तक उसमें रही और अच्छी पोजीशन पे गई. सडनली व्हेन माय मदर एक्सपायर्ड, तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि मैं दुनिया में वापस लोगों को देना चाहती हूँ. और सिर्फ कमाना इज़ नॉट दुनिया में कि ये एक चीज़ नहीं रहेगी. सो मैंने क्योंकि मैं वेलफेयर की तरफ मेरा रुझान बहुत था, मैं ऑलरेडी इन चीज़ों में मैं लोगों की हेल्प करती थी. और इस रियलाइजेशन के बाद मैंने एक अपना 360 डिग्री, बिल्कुल एक टोटली मेरा एक चेंज था मेरे अंदर. और मैंने सोचा कि मैं इस तरफ आऊं जहां पे मैं अपनी आवाम की जो है वो मदद कर सकूं. और आई एम वेरी ग्लैड अल्लाह ताला ने मुझे उस मुकाम पे पहुंचाया भी, मैं उस प्लेटफॉर्म पे हूं कि जहां पे मैं उनको, जो मुझे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें मैं उनको रीच आउट भी कर रही हूं. और अपना मकसद जो है, जो मैं अल्लाह की तरफ से एक वादा करके आई हूँ, वो भी पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ. पर्सनालिटी तो एज सच पॉलिटिकल पे मैं बाद में आऊँगी. नॉन पॉलिटिकल में ऑब्वियसली मेरी मदर वॉज द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वो भी बहुत इंटरप्राइजिंग वुमन थी और शी वॉज ऑल्सो इन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. उन्होंने कोई फील्ड नहीं छोड़ी, टीचिंग से लेके शोबिस से लेके. एंड उन्होंने अपना लोहा मनवाया, शी वॉज अ डिज़ाइनर ऑल्सो. सो आई थॉट के, और फिर सबसे ज़्यादा जो मैंने बचपन में देखा कि वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी डिफरेंट वेलफेयर की एक्टिविटीज़ में, वही चीज़ मेरे अंदर भी आई. तो मैंने उनसे बहुत सीखा और उनको अपना एक मेंटोर माना. उसके बाद क्योंकि मेरे फादर, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, तो देर आर सर्टन लेडीज़ ऐसी मेरी ज़िंदगी में जिनको मैंने लुकअप किया. और देर अब वो दुनिया में मौजूद नहीं है उनमें से, लेकिन ये वही ख्वातीन थी जिनका भी जो रुझान था वो फलाही कामों में था. और उनसे मैंने बचपन से लेके, आई थिंक वो मैं, हम एक बचपन में अपने ग्रुप्स बनाते हैं, तो हम, मैंने भी वो हमेशा मैं लीडर हुआ करती थी, दरख्तों पे भी चढ़ती थी और मेन को लीड करती थी. हमारी अपनी जो होती थी उसमें दो तीन बच्चियाँ लड़कियाँ होती थीं. उस वक्त भी मैंने जो भी काम किए, छोटी एज से लेके हम मसाजिद में वो पैसे जमा करने और वहाँ जाके देने, और कोई हमने चंदा जमा करना, तो अगर कोई कलामिटी आई है, कोई ऐसा हादसा हुआ है, तो वो हमेशा मेरी टीम की तरफ से उनको तहाइफ जाते थे, उनको हम पैसे जमा करके चैरिटी करते थे. तो आई थिंक ये चीज़ मैंने अपने बड़ों से भी सीखी और उन्हीं को मैंने अपना मेंटोर भी बनाया. आई थिंक अब तो बल्कि ज़्यादा हो गया है, ख्वातीन का बहुत कुलीदी किरदार है इस वक्त पॉलिटिक्स में. और ख्वातीन, मैं समझती हूँ कि उनके अंदर एम्पथी होती है, वो एक दूसरे लोगों को, उनके एहसासात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हैं.
तो मैं समझती हूँ ख्वातीन को आगे आना चाहिए और हर फील्ड से आना चाहिए। मुझे जैसे कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में रही, एडवर्टाइजिंग में मैंने जो मैं अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती थी, जो मैं कैंपेन्स करती थी, और उस वक्त क्योंकि मेरा रुझान प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग नहीं था, मेरा ज़्यादा विमेन डेवलपमेंट हो गई, एनवायरनमेंट हो गई, इस किस्म के सब्जेक्ट्स थे जो आज मुझे बहुत काम आ रहे हैं। मैं जिस चीज़ में मेरी जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में हूँ, मैं प्राइवेटाइजेशन में हूँ, मैं इस वक्त पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में हूँ, और इसी तरह मैं अभी कन्वीनर भी हूँ एज एसडीजी गोल नंबर 7 जो रिन्यूएबल एनर्जी है। सो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा उसमें मैं समझती हूँ कि टेक्निकली मेरी समझ और मेरी उसकी जो ग्रास्प है वो ज़्यादा इसीलिए है, और इसीलिए मैं ख्वातीन को समझती हूँ कि उनको प्रोफेशनल फील्ड से ज़रूर गुजर के आना चाहिए, ताकि वो जो एक आपका ग्रास रूट लेवल है उस तक जानती हूँ। मैं कराची की सदर भी रही वुमन विंग पीटीआई की 4 साल, सो मैंने कराची का जो कोना कोना है वो देखा है, मैंने वहाँ पे काम किया है, मैंने उन ख्वातीन के साथ मैंने उनकी तकालीफ को जाना, मैंने उनके लिए काम किए, इसीलिए बहुत जगहों पे जहाँ मैं खुद भी रहती हूँ, जो मेरी इस वक्त जो NA-237 जो मेरा हल्का बनता है, वहाँ लेडीज़ मुझे इस हवाले से भी ज़्यादा जानती हैं कि मैं उनके दरमियान आने से पहले भी मौजूद थी और अभी भी मैं उनकी तकालीफ में मौजूद होती हूँ। तो आई थिंक लेडीज़ को आना चाहिए इस फील्ड में और भरपूर तरीके से आना चाहिए। हमारी तो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं माशाल्लाह, हमारी स्पीकर जो माशाल्लाह अभी मेरी अपनी मिनिस्टर हैं, जब मैं पानी सेक्रेटरी हूँ इस वक्त डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के साथ, तो ये वो लेडीज़ हैं जिन्होंने सियासत को सही मानों में ख्वातीन के लिए एम्पावरमेंट उनको आगे मजबूत किया है। और अभी भी आप समझ सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस वक्त 12 पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाई हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ख्वातीन को इस वक्त कॉरिडोर्स में पावर की उन्होंने इस वक्त उनके हाथ में बहुत कुछ दिया है कि वो, लेकिन वो सब प्रोफेशनल ख्वातीन आई हैं मेरी जैसी, जिन्होंने आज अगर कुछ कर रही हैं तो उसको सही मानों में अपने अवाम तक उनकी दस्तरस भी है, और वो अपनी उनसे जो है दे आर फेयर टू व्हाट दे आर डूइंग, उसे जस्टिस भी कर रही हैं। ज़िंदगी तो बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ फेयर नहीं भी होती और अक्सर नहीं होती, लेकिन अगर आप उसमें से हंस के गुजर जाएं, और मैं तो बहुत बड़ी इस चीज़ की वो हूँ कि मैं शुक्र अदा करना समझती हूँ कि जो लोग भूल जाते हैं कि चाहे आपके प्रॉब्लम्स में से गुजरें या आप एक अच्छे टाइम से गुजरें, शुक्र अदा करना ना भूलें, वही चीज़ें आपके लिए रास्ता ज़्यादा खोलती हैं। सो पॉजिटिविटी इज़ द मेन की। अगर ज़िंदगी में आप छोटे से छोटी चीज़ को भी एंजॉय करना सीख जाएंगे तो मेरे ख्याल में आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुबह उठती हूँ और मैं बाहर की ज़िंदगी को देखूँ, एक सूरज की किरण ही मुझे जो है ना मेरे अंदर एक जज्बा पैदा कर देती है कि एक नया दिन है, और चाहे उसमें कितनी भी मुझे सख्तियाँ आएँ लेकिन उसमें से हमने हंस के गुजरना ज़रूर है। अब आई फील के अल्लाह ताला मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है। मैं बचपन से कहती हूँ, मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ आज भी और पहले भी, कि मेरे ख़्याल में पढ़ाई के मैदान से लेके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से लेके, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड से कम कोई लिया हो। मैंने अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया, और सिर्फ मेरी अपनी मेहनत नहीं है इसमें, मैं मेरी मेहनत तो है, मैं वाकई मैं जो चीज़ में जिस लगन में लगती हूँ उसको पूरा करती हूँ, जिस उसमें पूरी मेहनत करती हूँ, डिवोट करती हूँ अपनी ज़िंदगी को, लेकिन ज़रूर इसमें मैं समझती हूँ कि अल्लाह की मदद बहुत ज़्यादा इसके अंदर शामिल होती है, और बस यही है कि आई हैव बीन लकी माशाल्लाह,
लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि वो अगर अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा या मुझे दिया तो वो मैं उसको दूसरों तक ट्रांसफ़र करूं, और वही मेरा एक बल्कि टीवी का एक शो भी था जिसके अंदर मैं उन्होंने मेरी थोड़ी सी मेरी एक जो ट्वीट अक्सर वो उसके ऊपर मेरा जो एक जुमला लिखा गया है, और उन्होंने वो मुझे बाद में उस मॉर्निंग शो में बताया भी, सनशाइन इन माय आई, आई बिलीव कि सनशाइन इन योर आई इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। लाइफ को पॉजिटिव रखिए। जिंदगी में बहुत बहुत सख्तियाँ, बहुत मुश्किलात हर एक की जिंदगी में है, कहानी हर एक की मुख्तलिफ है। बस वही बात के क्रिएटिविटी थी मेरे में अंदर, और मैं क्रिएटिव साइड से ही शुरू में भी मैंने उस मेरे मदर का इसमें बहुत बड़ा हाथ था कि शी वॉज हर सेल्फ अ क्रिएटिव पर्सन। उन्हें मुझे पेंटिंग में भी डाला, सिंगिंग में भी डाला, बहुत जो बच्चे कर सकते हैं उन्होंने मुझे ग्रूम किया उसमें। और आई थिंक मैं माओं को भी यही कहूँगी कि अपने बच्चों की वो, क्योंकि हमारे अंदर हमारे माशरे में अब तो ये चीज़, ये टैबू ख़त्म हो गया है कि पहले या आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उसके अलावा कोई और आप फील्ड में जाना चाहें तो वो दे टेल यू कि एक इसमें आप आगे नहीं जा सकते, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो आई फील कि जो जिसकी जो अंदर जो टैलेंट है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। And I'm lucky in this respect कि मेरे parents ने बिल्कुल, मेरे father ने मुझे doctor बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं बनी। और although I was good in my curriculars, उसमें मेरे marks भी थे, लेकिन जो जिस तरह bent of mind होता है इंसान उसी तरफ जाता है। मैंने इसी वजह से वही subjects किए। मैंने मेरे घर में जितनी paintings लगी हैं वो मेरी अपनी हैं, दूसरी चीज़ों में भी जो है देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो मैंने परसू किए। और मैं साथ साथ जो मेरा अब तो टाइम नहीं मिलता मुझे एज अ पॉलिटिशियन, उसमें आपको ज़्यादा सॉरी टू से आजकल तो आप ज़्यादा बैठ के जो टॉक शोज है या वो देखते हैं, अब टॉक शोज ही डिफरेंट हो गए। सो आप उसी के अंदर ज्यादा अपनी लाइफ को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। PSL का यस आई एम, उनको जितनी भी टीम्स हैं मैंने उनको इस वक्त इक्वली अटेंशन हमने दी कि हम PSL का, क्योंकि हमारे अंडर डायरेक्टली तो नहीं आता है, लेकिन जब हमारे, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो शौक था वो लॉन टेनिस था, मैंने खुद जो सीखा था वो हमीद साहब और उनकी फैमिली से सीखा था, और मैं यहाँ पे खेला करती थी रेगुलरली इन पिंडी। जेवलिन के अंदर भी हमारा अर्शद जो था वो, उसने, मैं उससे मिली और मैंने बल्कि इनकरेज किया। PSL का मैं इसलिए आपको ज़्यादा वो नहीं करना चाह रही बिकॉज आई फील कि देर आर 42 अदर फेडरेशन ऑल्सो। हमारी जो स्पोर्ट्स की दुनिया है उसके अंदर लोग भूल जाते हैं कि क्रिकेट के अलावा भी दूसरे स्पोर्ट्स हैं। मैं एक किताब जैसे करने जा रही हूँ जिसके अंदर मैंने इनिशियली तो वुमेन इन स्पोर्ट्स को जो है वो हाईलाइट करने का सोचा था, लेकिन देन आई रियलाइज कि बहुत सारी खवातीन इतने हमारे लेके नहीं आई हैं इस वक्त बाहर से मेडल्स, लेकिन हम कंबाइन करेंगे उस बुक को। लेकिन आप देखें कि बहुत सारे ख्वातीन को हम जानते भी नहीं हैं। हम क्रिकेट में लड़कियों को फिर भी जो है वो हमें याद रह जाती हैं जो हमारी कैप्टन रही, लेकिन हम अपनी उन बच्चियों को जो इतने मेडल्स लेके अभी सार्क गेम्स में भी आई हैं उनके हमें नाम नहीं याद होंगे। इस वक्त इतने ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें मैं कोटा गई, फेंसिंग में मैंने बच्चियों को देखा, मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ फेडरेशंस में लड़कियां इस वक्त जो हैं वो दे आर प्लेइंग। और उसके अलावा मैं, हम लोग एक स्पोर्ट्स का एक्सपो करने जा रहे हैं विच इज़ माई ओन प्रोजेक्ट। आई एम रियली थैंकफुल टू द PM कि वो प्रपोजल मेरा
जो है वो उन्होंने मार्क किया टू माय मिनिस्ट्री, और इंशाल्लाह इन 3 मंथ्स टाइम वो स्पोर्ट्स का एक्सपो सामने आएगा, और उस एक्सपो के अंदर हम तमाम स्पोर्ट्स को, नॉट जस्ट क्रिकेट, क्रिकेट इज जस्ट वन, सो PSL हैज़ इट्स वैल्यू, एंड हमारा, मैं उसके लिए ऑल एक्लेड्स आई थिंक उनके लिए हर लिहाज से अप्रिसिएशन, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं वो बाकी 42 स्पोर्ट्स जो हैं हम उनको भी आगे लेके जाएं। बिल्कुल, उसके दो चीज़ें जो अब हमारी मिनिस्ट्री जो है उसके लिए स्टेप्स ले रही है, एक तो हमारी नई पॉलिसी आ रही है जो कि 2015 के बाद ये नई पॉलिसी बनी है, और कम्प्लीटली क्योंकि आपने देखा पिछले ओलंपिक्स में कितनी बेजाबतगियाँ हुई, और रीज़न ये होता है क्योंकि स्पोर्ट्स हमारा डिवॉल्व सब्जेक्ट बन गया है, और उसकी वजह से हमारा जो अम्ब्रेला जो ऊपर वफाकी हेड जो कहलाता है वो उसमें से उनको ओवरसी करने के लिए बनाए, लेकिन वो फिर भी उनके दायराकार में वो अपने आप को लाते नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपके जो प्लेयर्स अभी बाहर गए उनमें उनके साथ जो उनके उनको जाना चाहिए था, जो राइट पीपल को जाना चाहिए था उनके, वो उनके साथ कोचेस नहीं जा सके, उनके साथ उन लोगों को भेजा गया जो उनकी दस्तरस ही नहीं थी, जो दे कुड नॉट इवन एंटर द एरिना ऑफ वेयर दे वर स्टेशन्ड, गैप आ जाता है। इन चीज़ों को ये पॉलिसी अब फिल कर रही है गैप को, और उसमें जो कमीशन बनाया जा रहा है वो उससे थोड़ी सी उसमें थोड़ी सख्तियाँ करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें जो हम अदरवाइज नहीं कर सकते थे, लाइक 17 ईयर्स से हमारा जो इस वक्त ओलंपिक एसोसिएशन है उनके जो सदर हैं वो 17 साल से मौजूद हैं लेकिन एक मेडल नहीं आया। लीग के वो जो मॉडल है ये डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी किया गया है जिनमें इंडियन मॉडल भी है, और उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक एलीट पूल भी तैयार किया जिसकी एक डेटाबेस के अलावा एलीट पूल जो है वो, बिकॉज पहले डिपार्टमेंटल जैसे आपके गेम्स होते हैं उसमें आप उनको करियर एक के तौर पे एक प्लेयर जो है वो एक किसी भी इदारे के साथ मुंसलिक हो जाता है, उसको उसकी जो है वो सैलरी मिलती रहती थी, उसको ख़त्म कर दिया वो, इसलिए कि द प्राइम मिनिस्टर थॉट कि उसकी वजह से आपकी गेम इम्प्रूव नहीं होती, उसके अंदर कंपटीशन नहीं आता। सो हमने एक इलीट पूल क्रिएट किया है जिसके अंदर जो एक कैटेगराइज भी हो जाएगा, और आपके जो प्लेयर्स जो इस वक्त जिनका पोटेंशियल है कि वो आगे जाके मेडल्स ले सकते हैं उनके लिए भी जो है वो स्पॉन्सर्स उनको अप्रोच करेंगे, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, उनके कंप्लीट डे टू डे से लेके जब तक कि वो किसी गेम्स के लिए जाते हैं उनको भी जो है पूरा करेंगे, और साथ साथ ये होगा कि उसमें कंपटीशन भी होगा कि मैंने इस मार्क जो हमारा बेंच मार्क है उस तक पहुंचूंगा तो मुझे ये जो हैं चीज़ें मैं इन स्पॉन्सरशिप्स के काबिल होऊंगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट ये, एंड यू आर राइट कि हम लीग्स की तरफ जो हैं इसको अभी आपने देखा है कि माइकल ओवन भी इज़ इन, वो हमारा सबसे मसला इस वक्त इसका फुटबॉल का चल रहा है, हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि डीपोलिटिसाइज करके और उसकी भी जो है वो चीज़ों को हम स्ट्रीमलाइन करें। सो देर आर मैनी अदर फैक्टर्स जो कि इसमें पॉलिसी के अंदर हमने जो 2 साल थोड़ा सा डिले किया वो यही था कि बहुत सी चीज़ें जो थीं वो इस माफिया से निकलने में टाइम लगा, उनसे लड़ने में टाइम लगा, उसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पर स्टे ऑर्डर्स भी आए, अब माशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो एक उनकी अब सही लाइन सिम्ट बन गई है जिसको लेके चल रहे हैं। वेरी ट्रू, व्हेन आई टुक अप ये वाला चैलेंज क्योंकि हमारे पहले
मैंने जो है गोल नंबर इस 7 को कंसिडर नहीं किया था बिकॉज इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट. लेकिन जब मैंने रियलाइज किया कि इसको कोई भी नहीं उठा रहा है तो आई थॉट कि मैं टेक्निकली मे बी इससे रिलेटेड फील्ड से नहीं भी हूँ, लेकिन ये हमारे इस वक्त पाकिस्तान में बहुत इसकी अहमियत है. और वो इसलिए अहमियत है कि इस वक्त एनर्जी डिप्लीट हो रही है हमारे हर फॉर्म में. और आपकी कोई आप चाहे गोल ले लें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, आपका कोई गोल एनर्जी के बगैर आप उसको आगे लेके जा ही नहीं सकते. तो नाउ आई एम एडवोकेटिंग कि हमारी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें इसको मैंडेटरी भी करें. मैंने इसका एक नेटवर्क भी, उसकी मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, जिसमें हम एडवोकेसी भी कर रहे हैं, उसमें रिसर्च भी कर रहे हैं. उसके हमने मल्टी नेशनल कंपनीज को भी इन्वॉल्व किया है, एकेडेमिया को भी इन्वॉल्व किया है और स्टेक होल्डर्स को. और हमारा मकसद ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑल्टरनेट है, अफोर्डेबल है. ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सोलर एनर्जी इतनी वाफिर उसमें है, आपके पास पानी भी है, आपके पास विंड एनर्जी भी है, तो हमें इस तरफ जाने की ज़रूरत है. इसी वजह से मैंने एक बिल का ड्राफ्ट बना के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को प्रेजेंट भी किया है. वो लोग उस पर काम करेंगे, वो अपने उसके अंदर चीज़ें डालेंगे. मेरा मकसद ये था कि हम इस बिल के थ्रू हम जो हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, हम इम्पोर्ट भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर वन विंडो भी होना चाहिए. उसके अंदर हमें उसको इजी भी करना चाहिए फॉर द पब्लिक, फॉर द स्टेक होल्डर्स, ताकि हम इस तरफ आने के लिए हमारे जो हैं वो रास्ते खुलें और लोगों को ग्रास रूट लेवल तक जो है वो हेल्प भी हो. सोशल, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अगर सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी इदारे, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज अगर इसको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे अपना दायरा कार में शामिल कर लेती हैं, जो कि मैं बार बार जाके उनसे मिल रही हूँ, डिफरेंट कॉर्पोरेट ग्रुप से और चेंबर्स से, और बहुत सुने मुझे उसमें इंक्लूड भी किया है कि अगर हम अपने जो भी प्रोजेक्ट बनाएं, चाहे वो किसी भी पाकिस्तान के इलाके में हो, उसके दायराकार में अगर वो सोलर कर दें तमाम स्कूलों को और हेल्थ यूनिट्स को, तो वो अपनी हकूमत के ऊपर से हमारा ब्रंट है वो भी उतर जाएगा. ये उनके अपने, वो उसको मेंटेन भी करेंगे, खुद अडॉप्ट भी करेंगे और हमारे पाकिस्तान में खुद ब खुद रोशनी भी आएगी. और उसकी वजह से जो हमारा गरीब तबका है वो भी जो है उसकी वजह से सारे हमारे जितने SDG गोल्स हैं उसमें कवर होंगे. तो ये तो आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि वो बहस करने वाले कौन होते हैं. बहस करने वाली ख्वातीन नहीं होती, और फीमेल्स क्योंकि आपका उतना नंबर नहीं होता कि बहुत सारे, जैसे चाइल्ड मैरिज का बिल था फॉर एग्ज़ाम्पल, अब उसकी एक सर्टन एज है, लेकिन अगर आप देखें सऊदी अरेबिया में भी इस वक्त उस चाइल्ड मैरिज की जो एज है एक लड़की की, वो चेंज हो चुकी है, वो 18 साल जो है वो कर चुके हैं. लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ उस पे ले आए तो ये एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि वो बलूगत की एज से ही उसकी मैरिज जो है वो हो जानी चाहिए. लेकिन उससे देखें, उससे उस लड़की पे कितने असरात आते हैं, उसकी अपनी लाइफ के ऊपर, उसकी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज उसकी कम हो जाती हैं, उसकी अपनी हेल्थ कितनी गिर जाती है, वो चीज़ें फिर आपकी डिसरिगार्ड हो जाती हैं. तो ये चीज़ें हम भी, आई हैव अ डॉटर, और भी मैं जो एक मदर है वो इस चीज़ को ज़्यादा इक्वली उसको सेंसिटिव होके सोच सकती है कि उसके असरात क्या. और इसी वजह से अब इसी से रिलेटेड देखें, अब हरासमेंट का बाया है तो हरासमेंट के ऊपर तो काफ़ी बहस होने के बाद अब वो पास हो गया, और वो अच्छी बात है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें जो थी वो जो
थोड़े बहुत उसमें अमेंडमेंट्स थे, उनके साथ हमने उनको ओवरकम कर लिया. और नाउ कोई भी नहीं चाहता कि हमारे अपने जो है वो माशरे के अंदर तशद्दुद फैले. और हरासमेंट इज़ अनदर फैक्टर, वो वर्क प्लेस हरासमेंट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे मैंने खुद समझा कि स्पोर्ट्स वुमेन जो हैं वो इस दायरेकार में आती ही नहीं है, वो वर्क प्लेस के अंदर उस डेफिनेशन में ही नहीं आती थी. सो आई थॉट इट वेरी पर्टिनेंट कि उसको क्यों नहीं ऐड किया जाए. इसी तरह स्कूल्स थे, तो डिफरेंट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ने अपनी अपनी जो एक्सपर्टीज थी या अपने जो जिनके ऊपर वो वर्क कर रही हैं, उन्होंने उसमें वो चीज़ें ऐड करवाई. और अब हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम उसको सेल थ्रू करें, ताकि वो हमारी ख्वातीन के लिए, काम तो हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं. अब ज़ाहिर है अवाम में मर्द, ख़वातीन, बच्चे सब शामिल हैं, लेकिन बीइंग सिन्फ़ नाज़ुक, हमें अपनी ख़वातीन के लिए भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसे बच्चों के लिए जैसे कॉर्पोरल तशद्दुद होता है, उसके ऊपर बिल आया है. वो बिल बल्कि हमारी ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से नहीं आया, लेकिन इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे बिल्स हैं जिनको पास किया गया है. मैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया और एक मोटो बनाया, वो मैंने एक कोट है, विच इज़ नेवर फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ अदर्स, लीव योर ओन टू बी फॉलोड. और मैंने उसके ऊपर बहुत अरसे दराज से, मैं आप सबको एक बताना ज़रूरी समझती हूँ, मैंने क्लास 5 में अपने नाम की स्पेलिंग खुद चेंज की, SYMA. इट्स लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, मैंने अपना सिग्नेचर क्लास 5 में बनाया. मैंने ये जुमला अपना क्लास 6 में बनाया और मैंने उसके ऊपर काम किया है. ये आपकी अपनी सोच की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को और अपने गोल्स को डालें. यकीन करें अल्लाह ताला आपको चाहे कहीं से कहीं भी ले जाए. I got married very early. I studied later. I did 2 masters with the children, with 3 children. I have 3 children. और उसके बाद मैंने टीचिंग से स्टार्ट किया. मैंने समझा टीचिंग इज नॉट इनफ, मैंने इससे आगे जाना है. मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आई, जो बच्चे बड़े हुए, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मैं डायरेक्टर लेवल तक गई. एंड देन आई रियलाइज, मैंने अपनी कंपनी खोली, मैंने अपनी क्रिएटिव साइट को समझा कि मैं उसमें आगे एक्सेल कर सकती हूँ. लेकिन अल्लाह ताला ने जब बहुत दिया और व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरा टाइम आ गया है कि मैंने अपनी लोगों के लिए, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए अपने वापस देना है, जो अल्लाह ने मुझे दिया उसको वापस देना है, तो अल्लाह ने मेरे लिए ये रास्ता खुद ब खुद खोला. इसके लिए भी मैंने मेहनत की. मैंने 10 साल, मेरा ये 10th ईयर है विद PTI, मैं 4 साल कराची वुमन विंग की सदर रही, जहाँ पे 35 वुमेन थी. आज हज़ारों में ख़वातीन हैं जिनको मैंने UC लेवल तक पूरी टीम बना के दी. मैं ग्रास रूट लेवल तक वर्क करती रही. मैंने अपना वक्त डिवोट किया एक कॉज के लिए, एक ऊपर जाने के लिए नहीं. मेम्बर ऑफ नेशनल असम्बली वॉज नॉट माई गोल. माई गोल वॉज टू सर्व the people of this country, and it is still yahi goal. Chahe main aage dobara aaun ya na aaun, mera goal yahi, aur Allah Taala mujhe khud ba khud us jagah pe pahunchayega. Isliye main aapse kehti hu ki aap bhi apne aap ko samjhe aur Allah Taala pe jo hai wo tawakkul kare. Allah Taala se mange, aur koi nahi aapko dega. सिर्फ अल्लाह ताला देने वाला है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. मेहनत करेंगी रास्ते खुल जाएंगे, और अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो आपके रास्ते उससे मजीद निखरेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला आपके ज़रिए वो रास्ते दूसरों के लिए भी खोलेगा. मेरा जो सबसे बड़ा और आखिरी जो ज़िंदगी का एक हासिल है वो यही है कि आई वुड लाइक कि ख़वातीन, जो मैं ख़वातीन के लिए बोल रही हूँ, अपने हाथ से दूसरों को ऊपर लाइए, उनको काटिए मत. दूसरों को ऊपर लाएंगी
तो वो आपके लिए सीढ़ी बनेंगी, आप दोनों मिलके ऊपर जाएंगी और इस तरह से हमारा माशरा जो है वो बेहतर होगा।